Hi all, this is Ashutosh here, and I am back with a very interesting technical indicator जहां पे हम लोग मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे वॉल्यूम वाले चैप्टर्स को रेफर किया होगा तो यू वुड हैव गेज कि रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए प्राइस एज एन एलिमेंट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मेक अ डिसीजन इन द मार्केट। ऑल्दो प्राइस बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें देता है, बट इट हैज टू बी ऑलवेज क्लब्ड विद वॉल्यूम टू गेज द रियल स्टफ व्हाट इज गोइंग इन द बैकग्राउंड। हेंस कंबाइनिंग प्राइस एंड वॉल्यूम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स वुड फैसिलिटेट अ बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट। उसी फ्लो में मनी फ्लो इंडेक्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है विच वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन दिस चैप्टर। प्राइमरली मनी फ्लो इंडेक्स एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का मतलब ये दो वैल्यूज के बीच में मूव करता है। इसका रेंज 0 to 100 है, 0 से 100 के बीच में ये मूव कर सकता है। What it does is, it combines price and volume, और इनके कॉम्बिनेशन को यूज करके ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल्स हमें जनरेट करके देता है। इट्स मेजर एप्लीकेशन इज टू आइडेंटिफाई डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस क्या कर रहा है और ये इंडिकेटर मनी फ्लो इंडेक्स एज एन इंडिकेटर क्या कर रहा है, इन दो चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वैल्यू इट रेंजेस बिटवीन 0 to 100, एंड प्राइमरली इसे कहते हैं कि इट इज वॉल्यूम वेटेड आरएसआई भी है। आरएसआई एक और तरीके का टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन को हमें बताता है। इट इज अ वेरी फेमस इंडिकेटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस के साथ वॉल्यूम को कंबाइन कर दे रहे हैं एंड देन वी रीड दी एमएफआई। तो आई हैव अ पर्सनल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एमएफआई। वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन उसमें हो जाने की वजह से इट गिव्स अस अ लिटिल बिट बेटर सिग्नल इन कंपैरिजन टू ओनली रेफरिंग आरएसआई। लेट्स मूव अहेड। जब आप इसे चार्ट में अप्लाई करते हैं तो इस तरीके का नीचे के जोन में आप देखेंगे एक लाइन बन जाती है। आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग यू गोइंग अहेड। इसी चैप्टर में मैं ये कैसे इसे अप्लाई करना है आई विल बी शोइंग इट टू यू। ऊपर आपका प्राइस है, नीचे एमएफआई की एक लाइन बन जाती है। किसी भी लेवल पे जैसे ये वाला लेवल है तो आप राइट साइड यहाँ देखेंगे इट्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड। ये जो शेडेड रीजन है ये बिलो 80 एंड इधर 20 के अबव का जोन है। इससे नीचे का जोन जो है ये ओवरसोल्ड जोन कहलाता है। इससे ऊपर का जो जोन है ये ओवरबॉट जोन कहलाता है। प्राइस जब भी या एमएफआई जब भी ओवरबॉट में जाता है तो वन ऑफ द रोल ऑफ एन ऑसिलेटर इज कि ये फिर वहां से रिवर्ट हो जाता है, ये वापस आता है ओवरबॉट से, और अगर ओवरसोल्ड होता है तो ये ओवरसोल्ड से रिवर्ट होके बाहर निकलता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मनी फ्लो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन पीस। अभी मैं आपको थ्योरी से वॉक थ्रू कर रहा हूँ और फिर इसके बाद आई विल बी टेकिंग यू टू द चार्ट्स एंड देन वी विल बी रीडिंग इट फर्दर। मनी फ्लो इंडेक्स की कैलकुलेशन के देर आर मल्टीपल स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ अ टर्म कॉल्ड टिपिकल प्राइस। टिपिकल प्राइस क्या होता है, उस दिन का या उस टाइम फ्रेम का जो भी आपका टाइम फ्रेम रेफरेंस है उस दिन का हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इन तीनों प्राइसेस का एवरेज निकलता है। तो टिपिकल प्राइस इज नथिंग एल्स बट एवरेज ऑफ हाई, लो एंड क्लोज ऑफ द पीरियड। अगर हमारा दिन है वो पीरियड तो वो हमारा टिपिकल प्राइस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। द सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मनी फ्लो। वॉट वी आर डूइंग इज आपने टिपिकल प्राइस कैलकुलेट किया, टिपिकल प्राइस को वॉल्यूम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड द वैल्यू दैट यू गेट दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो।
तो द सेकेंड स्टेप इज मनी फ्लो. फर्स्ट स्टेप टिपिकल प्राइस का कैलकुलेशन, द सेकेंड वन इज मनी फ्लो कैलकुलेशन, द थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मनी रेशियो. मनी रेशियो में आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिव मनी फ्लो को नेगेटिव मनी फ्लो से डिवाइड कर रहे हैं. मनी फ्लो जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था, तो उसमें जो पॉजिटिव मनी फ्लो है और नेगेटिव मनी फ्लो को आप डिवाइड कर रहे हैं. पॉजिटिव मनी फ्लो का मतलब क्या है कि जितने भी दिन या जितने भी टाइम पीरियड्स आप उनको ऐड कर रहे हैं जिनमें जिनका टिपिकल प्राइस इज हायर देन प्रीवियस डेज टिपिकल प्राइस. पिछले दिन के टिपिकल प्राइस में जो आपने टिपिकल प्राइस कैलकुलेट किया था उसके कंपैरिजन में अगर आज का टिपिकल प्राइस ज्यादा है तो वी एड इट एंड वी कॉल इट पॉजिटिव मनी फ्लो. और सिमिलरली नेगेटिव मनी फ्लो जो है उस दिन टिपिकल प्राइस, आज का टिपिकल प्राइस अगर कल के टिपिकल प्राइस से नेगेटिव है, कम है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ नेगेटिव मनी फ्लो. और फिर आप उन सबका समेशन करते हैं. द डिफॉल्ट वैल्यू इज 14 डेज. 14 डेज में जितने भी पॉजिटिव मनी फ्लो और नेगेटिव मनी फ्लो उन सबका आप रेशियो निकालते हैं एंड यू कैलकुलेट द मनी रेशियो. अगर टिपिकल प्राइस अनचेंज्ड है तो उस दिन के डेटा को आप डिस्कार्ड कर देते हैं. एंड फाइनली द फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मनी फ्लो इंडेक्स. यहाँ पे आप जो वैल्यू निकाल आती है MFI, वो ही वैल्यू हमारे चार्ट में प्लॉट होती है. हमें इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी है बिकॉज अब तो सारे ही ब्रोकर्स जो हैं उनके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये एक इंडिकेटर आपको मिल जाएगा. और इस तरीके से आपका नीचे एक चार्ट बन के आ जाएगा. MFI रिप्रेजेंट्स वो वैल्यू, वो जो रेशियो है MFI का, वो वैल्यू कैलकुलेट होके फाइनली अगर मान लीजिए 40 के आसपास आ रहा है तो देन इट इज MFI हमारा 40 है. यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं MFI 60+ है तो MFI 60+ है. यहाँ पे इट इज 80+, 85 90 के रेंज में है तो इट इज 90. यहाँ पे ये 20 के नीचे है, 10 है, तो ये इसका नीचे का लेवल हो गया. तो अब ये तो बात हो गई कि मनी फ्लो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, बट हाउ डू वी गो अहेड एंड अप्लाई इट इन द मार्केट्स. तो इसका दो यूसेज है. द फर्स्ट यूसेज इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स को डिटरमाइन करना. अगर हमारा कोई भी स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड है तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो जोन से बाहर निकलेगा. अगर हमारा कोई स्टॉक ओवरबॉट है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ओवरबॉट से बाहर निकलेगा और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. मोस्ट ऑफ द ऑसिलेटर्स वर्क ऑन द वेरी सेम प्रिंसिपल. ओवरबॉट में है तो वो बाहर निकलते हैं, ओवरसोल्ड में है तो वो बाहर निकलते हैं. डज दैट मीन कि वो फिर से ओवरसोल्ड नहीं हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. वो फिर से ओवरसोल्ड में इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद भी ओवरसोल्ड हो सकते हैं. ओवरबॉट में वो काफी देर तक बने रह सकते हैं. तो वन ऑफ द रीजन ऑफ और वन ऑफ द यूसेज ऑफ मनी फ्लो इंडेक्स इज टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स. एंड द सेकेंड वन इज टू गेज द डाइवर्जेंस बिटवीन द प्राइस एंड द मनी फ्लो इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्राइमरी रोल जिसके लिए इसे यूज किया जाता है वो यही है, जहाँ पे प्राइस एक्चुअली क्या कर रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में अगर डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा देन इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू गेज की पोटेंशियल आगे का मूव क्या हो सकता है. तो मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट डज इट मीन व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. ये आपका investing.com की साइट है. यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर में आप जाएंगे और आप मनी फ्लो इंडेक्स टाइप करेंगे. और मनी फ्लो इंडेक्स टाइप करने पे आपका चार्ट आपके नीचे के सेक्शन में इस तरीके से MFI की लाइन बन के आ जाएगी. द डिफॉल्ट पीरियड इज द 14 वन. अभी क्या है, आप देखिए जब भी हमारी MFI लाइन जो है वो ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड रफली 20 के नीचे, कुछ लोग इसे और टाइटर करते हैं और 10 मानते हैं, तो जब ये 20 के नीचे या 10 के नीचे जाती है दैट इज कॉल्ड एज ओवरसोल्ड. और जब ये 80 के ऊपर जाती है देन इट इज ओवरबॉट. तो जब भी ये ओवरबॉट हो रहा है, MFI जब ओवरबॉट हो रहा है तो उसमें करेक्शन आता है. और देखिए आप प्राइमरली प्राइस भी, प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होता है किसी न किसी फॉर्मेट में. और ओवरबॉट जोन से प्राइस ये MFI बाहर नीचे की तरफ आता है, प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होता है. यहाँ पे ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला है MFI और वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ है.
ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स को गेज करने के लिए हम MFI का यूसेज करते हैं। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमने बात की थी वो था डाइवर्जेंस गेज करने के लिए। अब देखिए डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, आप इस वाले टेरिटरी को ध्यान में रखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, इसके बाद ये एक लोअर, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद जो अगला लो बना है वो ज्यादा नीचे बना है, इट इज अ लोअर लो। थर्ड वाला जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे लो बना है। ये आप देखिए यहाँ पे ये जो लोज हैं, तो लोअर लोज बन रहे हैं, और RSI क्या कर रहा है इस वाले जोन में, यहाँ पे देखिए जब ये वाला लो बन रहा था तो RSI वाज ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड से ये बाहर निकल गया। अब देखिए प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है रिलेटिवली, बट अ वेरी सिग्निफिकेंट करेक्शन हैज हैपेंड इन दी MFI। उसके बाद फिर MFI अपने यहाँ पे 35 वाले लेवल पे है, बट दिस इज व्हाट द प्राइस इज डूइंग, प्राइस फर्दर नीचे आ रहा है और MFI उस समय अपने पीक पे है। अब अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे थोड़ा सा, जो मैं डाइवर्जेंस की बात कर रहा था, तो डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट द प्राइस इज डूइंग, ये प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, सॉरी ये रहा प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, और ये हमारा RSI जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इफ यू नोटिस देयर इज अ वेरी क्लियर डाइवर्जेंस बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन द प्राइस एंड व्हाट इज हैपनिंग एट द RSI लेवल। तो दैट इज व्हाट आई वाज रेफरिंग, अगर ऐसा हो रहा है किसी भी समय जहां पे प्राइस कुछ और कर रहा है और RSI कुछ और कर रहा है, एंड दे आर टॉकिंग डिफरेंट, दे आर शोइंग डिफरेंट मैसेजेस, देन मोस्ट प्रोबेबली वी शुड बी गेटिंग आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि शायद अब रिवर्सल हो सकता है। सिमिलर तरीके का बिहेवियर डिमोन्स्ट्रेट हो सकता है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और RSI फाइनली नीचे आ रहा हो। जैसे मंथली चार्ट में इसके चलते हैं, दिस इज निफ्टी 50 का फ्यूचर्स का चार्ट है जुलाई का। तो आप जैसे ये वाला जोन देखिए, इस वाले जोन में प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, ये, एंड इफ यू नोटिस ये अपना RSI का पार्टिसिपेशन था, सॉरी MFI का पार्टिसिपेशन था, वो नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा था। तो वी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट शुड बिकम अ लिटिल कॉशियस इस तरीके के, जब भी हमें डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, अगर हमें डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं तो हाउ शुड वी बी रिएक्टिंग, हमें अपने टाइम फ्रेम्स को रेफर करना है। जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो वी विल हैव टू वैलिडेट इट कि हमारे हाई टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल सीन हैपनिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, और फिर हमें उन चीजों को सिंक करके समझने की जरूरत है। सिंक करके समझने की जरूरत ये का मतलब ये हुआ कि हाई टाइम फ्रेम अगर ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा होगा और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ये करेक्शन इस तरीके से दिख रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली छोटे टाइम फ्रेम का जो करेक्शन है वो करेक्शन के बाद ये हो सकता है, इसमें क्विक रिएक्शन आपको देखने को मिले और फिर वो वहां से रिवर्ट करना शुरू कर दे। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम फ्रेम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। आई विल बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू सिंक्रोनाइज द टाइम फ्रेम एंड यू वुड बी एंजॉइंग इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड दी डाइवर्जेंसेज दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एज वेल एज टू सिंक्रोनाइज व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइम फ्रेम्स डूइंग। छोटे टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट MFI एज एन इंडिकेटर। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली। होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।